हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन डब्ल्यू एस क्यूब टेक चैनल। तो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अगर आपने कोई लिस्टिंग ऐड की है, कोई बिजनेस ऐड किया है, तो उसे वेरीफाई कैसे करवाएं, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं होगा वो सही तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर नहीं दिखेगा, एज वेल एज मैप्स पर भी नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक ऐसी प्रोफाइल जो वेरीफाइड है, और कैसे फिर एक प्रोफाइल को हम वेरीफाई करवाते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। साथ ही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और ज्वाइन करिए हमारी 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस। तो ये देखिए, ये हमने एक डमी जो है लिस्टिंग की थी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लिस्टिंग एकदम स्क्रैच से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए, एक तो सबसे पहले ये साइन आ रहा है यहाँ पे टिक का, उसके अलावा हमारा ये जो प्रोफाइल है यहाँ पर टिक का साइन आ रहा है, तो मतलब ये वेरीफाइड है, ठीक है। वैसे चेक योर वेरिफिकेशन स्टेटस भी अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल हेल्प पर जाकर चेक करेंगे तो इस तरह से स्टेटस आ जाएगा, ये आपका बिजनेस आ जाएगा और यहाँ पर वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। तो जितने भी आपके बिजनेसेस हैं उनका यहाँ पर स्टेटस ऑफ बिजनेस आ जाएगा, तो ये बिजनेस हमारा वेरीफाइड है। अब हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम तरीके देखते हैं क्या क्या वो वेज हैं जिनसे हम वेरीफाई करवा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं एक और डमी लिस्टिंग बनाती हूँ और उसको हम वेरीफाई करके उसके जितने भी वेज हैं वो सारे देखेंगे। अब ये देखिए, जब हम एक प्रोफाइल बनाते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है सेलेक्ट अ वे टू गेट वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई होने के लिए। अब आपके पास यहाँ पर वेज आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो आपने फोन नंबर डाला है, अगर आपने एक फोन नंबर डाला है तो इस फोन नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा कि इस पर कॉल या टेक्स्ट करके एक ओटीपी मंगाया जाए और जो आप ऐड करोगे तो आपका बिजनेस जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो अभी के लिए मैं वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर रही हूँ, और सो दैट मैं आपको ये भी बता पाऊँ कि जब एक लिस्टिंग हमारी हो चुकी है, पूरी लिस्टिंग बन चुकी है, तो उसे कैसे वेरीफाई करेंगे। तो जल्दी से मैं प्रोफाइल जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हमारी प्रोफाइल बन चुकी है लेकिन ये अभी कस्टमर्स को नहीं दिखेगी क्योंकि हमारा बिजनेस वेरीफाइड नहीं है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, गेट वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है, तो गेट वेरीफाइड पर जब हम क्लिक करेंगे तब आपको वेरिफिकेशन के ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर मेरे लिए तो ये एक ही ऑप्शन आ रहा है, दैट इज ये जो हमारा नंबर है इस पर कॉल और टेक्स्ट आएगा और उसके थ्रू जो है ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि गूगल की, तो गूगल आपको सिर्फ यही मेथड नहीं देता, फोन, टेक्स्ट, ईमेल और वीडियो का भी ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने टेक्स्ट वेरीफाई कर दिया, कॉल वेरीफाई कर दिया, लेकिन स्टिल आपको जो है गूगल बोल सकता है कि आपको एक वीडियो वेरिफिकेशन भी देना पड़ेगा। स्पेशली जब ऐसा होता है, ये कौन से सिचुएशंस में होता है मैं आपको बता देती हूँ, कि जब एक ही बिजनेस है और उसके मल्टीपल स्टोर्स हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो उस केसेस में 90% गूगल आपको बोलता है कि आप वीडियो वेरिफिकेशन भी कीजिए। तो वीडियो वेरिफिकेशन में क्या होता है, गूगल के जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको कॉल करेंगे और वीडियो कॉल एक वो होगा, और उस कॉल पर आपको उनकी जो स्टोर की लोकेशन है आपको वो आपको दिखानी पड़ेगी फिजिकली, और तभी वो वेरिफिकेशन आपका एक्सेप्ट होगा। तो फोन टेक्स्ट से अगर आपने वेरीफाई कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली हमारा बिजनेस वेरीफाई हो गया, भले उस टाइम के लिए हो गया है, लेकिन बाद में आपसे गूगल बोल सकता है कि आप वीडियो वेरिफिकेशन भी कीजिए या फिर ईमेल वेरिफिकेशन भी कीजिए। तो अभी हमारे पास यही ऑप्शन आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और अब हमारे पास ओटीपी आएगा, एक 6-डिजिट ओटीपी आएगा, उस कोड को हम यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई कर लेंगे अपने बिजनेस को। और एक चीज और आपको याद रखनी है, जब भी कभी भी ऐसा होगा कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज की है अपने बिजनेस से रिलेटेड, कोई एड्रेस चेंज किया है, फोन नंबर चेंज किया है, कोई भी डिटेल चेंज की है, तो आपको हो सकता है कि रीवेरीफाई अपने बिजनेस को करना पड़े, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अब देखिए, कॉल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन और टेक्स्ट वेरिफिकेशन तो कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ वीडियो वेरिफिकेशन की भी, तो उसमें 2 तरह के वीडियो वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज लाइव वीडियो वेरिफिकेशन, सेकंड इज कैप्चर्ड वीडियो वेरिफिकेशन। तो कैप्चर्ड में तो सिंपली आपको जो वेरिफिकेशन का जैसा भी ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे कॉल टेक्स्ट कीजिएगा, वीडियो वेरिफिकेशन भी आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, कैप्चर का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको क्या क्या कैप्चर करना है इसका ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक लिस्ट आ जाएगी, आप उसको चेकलिस्ट की तरह यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो ऑफिस है उसका फ्रंट डोर आपको ऐड करना है, आपको कैप्चर करना है। उसके अलावा जो आपका लोगो वगैरह अगर कहीं पे लगा हुआ है उसको आपको कैप्चर करना है। आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं आपके उसको आपको कैप्चर करना है, लाइक स्ट्रीट्स हो गए, सामने अगर कोई शॉप है, लेफ्ट में या राइट में कोई शॉप है तो उस एरिया को आपको कैप्चर करना है। उसके अलावा कुछ ऐसे एरिया होते हैं हर एक ऑफिस में जो इस पर एक एम्प्लॉय ही जा सकता है, जैसे कि कैश ऑफिस हो गया, डायरेक्टर्स ऑफिस हो गया, या फिर किचन हो गया, मतलब काइंड ऑफ, तो पूरा ही जो आपको प्रीमिस है उसको आपको कैप्चर करके उस वीडियो में रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा कई बार आपको प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट भी देना पड़ सकता है, तो ऐसे केस में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रजिस्ट्री है, तो उसका भी आप कैप्चर कर सकते हो। अब ये जो वीडियो है, एक बार अगर वेरिफिकेशन हो गया तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो,
हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए दिखानी पड़ेंगी वीडियो में। दूसरी चीज़ जो होती है लाइव वीडियो कॉल, उसमें तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक पर्सन जो है गूगल की तरफ से ही आपको कॉल करता है, आपको लाइव कॉल आती है, आपको उसको अटेंड करके, अब इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन को ही करना पड़ेगा। अगर आप डेस्कटॉप पर गूगल माय बिजनेस चला रहे हैं तो आपको एक स्कैन कोड आएगा, तो उसको स्कैन करके आप उस पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आपको लाइव वीडियो करके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को दिखानी है और तभी आपका बिजनेस जो है वेरीफाई होगा। बट मोस्ट ऑफ द केस में, लाइक मोस्ट ऑफ द केस से मेरा मतलब है 80% ऑफ द केसेस में वीडियो वेरीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके बारे में मैंने बात की कि अगर मान लीजिए एक ही बिजनेस के अलग अलग स्टोर लोकेशन है, कोई आपका एक ऐसा बिजनेस है जो एक ही बिल्डिंग में मल्टीपल जो है लिस्टिंग आपकी हुई हुई है, तो उस केसेस में कई बार आपको वीडियो वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है टू वेरीफाई योर बिजनेस ऑन गूगल। एंड वेरिफिकेशन के क्या फायदे हैं, तो देखो बेसिक सा फायदा है, अगर आपने अपने बिजनेस को वेरीफाई नहीं किया तो आपकी जो डिटेल्स हैं, आपका जो बिजनेस है, वो कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा, दिखेगा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ इतनी मेहनत करने का। तो इसीलिए अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर रजिस्टर जरूर करवा लें। बाय द वे, ये कंप्लीट लोकल एसईओ का कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सारी वीडियोस देखो, एक भी मिस मत करना। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है वेरिफिकेशन से रिलेटेड, उसी के साथ साथ गूगल माय बिजनेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।